हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ हिजाब। क्या हिजाब पहनना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलाउड है? क्या हिजाब पहनना इट्स प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट वर्डिक्ट आया है, जिसमें दो जजेस ने डिफरेंट जजमेंट दिया है रिगार्डिंग दिस इशू। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट था, दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई वीडियो। यू कैन सी, गो एंड सी द प्लेलिस्ट। इन दैट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट देने के पीछे क्या रीजनिंग दी। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ यू वॉन्ट टू नो दीज डिटेल्स, गो एंड सी द वीडियो। इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट द करेंट प्रोविजन। करेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट वर्डिक्ट दिया है, स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एक जज ने, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने, उस बैन को बोला कि बैन होना चाहिए, यानी कि गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू वियर हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जबकि एक जज ने, जस्टिस सुधांशु ने बोला कि गर्ल्स शुड बी अलाउड, उनको ये अलाउड होना चाहिए कि वो हिजाब पहन के आ सकें कॉलेजेस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो दोनों जजेस ने जो अपना जजमेंट दिया, उनके पीछे उनकी क्या रीजनिंग थी, वील डिस्कस इट इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई एम नॉट कवरिंग द बैकग्राउंड ऑफ द केस, बिकॉज दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। आई विल स्ट्रेट अवे जंप इन टू द रीजनिंग गिवन बाई बोथ द जजेस। सो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बोला कि हिजाब पहनना इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इट प्रोवाइड्स अस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हर इंसान की कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं। सो इट्स देयर फ्रीडम, इट्स द राइट टू प्रैक्टिस देम फ्रीली। ये हमको प्रोवाइड करता है आर्टिकल 25। तो कोर्ट ने अब बोला कि एक केस में उन्होंने ये ले डाउन किया कि हमारी सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टेड नहीं होंगी, सिर्फ वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टेड होंगी विच विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि सिर्फ जो प्रैक्टिसेस इसेंशियल होंगी हमारे रिलीजन से, सिर्फ वही रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टेड होंगी, बाकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रोटेक्टेड नहीं होंगी। तो यहाँ पर इशू ये आता है कि जज बोलते हैं कि जो हिजाब पहनना, इट इज़ नॉट अ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और क्योंकि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली उन्होंने ये भी बोला कि यूनिफॉर्म पहनना, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि दे हैव टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द स्कूल, दे हैव टू मेंटेन द सेक्युलर एनवायरनमेंट इन द स्कूल। अब सेक्युलर एनवायरनमेंट मतलब क्या हुआ? सेक्युलर एनवायरनमेंट मतलब उन्होंने गवर्नमेंट को इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कॉलेज में और या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर किसी भी रिलीजन को प्रेफरेंस ना मिले, सारे रिलीजन्स इक्वली ट्रीट करें, ये ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। तो हिजाब पहनना वुड बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद मेंटेनिंग द सेक्युलर एनवायरनमेंट इन द स्कूल, सो दे आर नॉट अलाउड टू वेयर द हिजाब इन द स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कहना था जस्टिस हेमंत गुप्ता का। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने ये भी बोला कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी, दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 14 स्पीक्स अबाउट द इक्वालिटी कॉन्सेप्ट। सो इट सेज, द जस्टिस सेज कि इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14। अब इस व्यू से डाइवर्ज होते हुए जस्टिस सुधांशु ने एस्टैब्लिश किया कि क्यों विमेन को अलाउड होना चाहिए कि वो हिजाब पहनकर आ सकें। उन्होंने क्या रीजनिंग दी, हम ये समझते हैं। जस्टिस सुधांशु ने बोला कि जो हिजाब
जो जो हेमंत गुप्ता जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बोला है कि हिजाब पहनना इज़ नॉट अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। ही जस्टिस सुधांशु ने बोला कि ये इट डजेंट फॉल अंडर द एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इन फैक्ट इट फॉल्स अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, गर्ल्स जो चाहें वो उस फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं, सो इट्स देयर फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, सो इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सेकेंडली जस्टिस सुधांशु ने यह भी बोला कि 1986 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन द केस ऑफ बिजॉय इमैनुअल, उसमें कोर्ट ने यह बोला था, बेसिकली आई विल स्टेट द फैक्ट्स इन शॉर्ट जिससे कि आपको जजमेंट अच्छे से समझ में आ पाए। कुछ स्टूडेंट्स थे, दे सेड कि उनका रिलीजन उनको अलाउ नहीं करता नेशनल एंथम सिंग करने के लिए, तो कोर्ट ने बोला कि दे आर अलाउड एंड कोर्ट अलाउड दोज स्टूडेंट्स टू स्टे साइलेंट ड्यूरिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। सो जस्टिस सुधांशु सेड कि दिस केस शोज बिजॉय इमैनुअल केस शोज कि हाउ मच टॉलरेंट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज टूवर्ड्स डाइवर्सिटी। जस्टिस सुधांशु का ये कहना था, ही सेट असाइड द जजमेंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट एंड सेड गर्ल्स शुड बी अलाउड टू गो टू स्कूल वियरिंग ए हिजाब, क्योंकि गर्ल्स बहुत सारी गर्ल्स बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से आती हैं एंड दे आर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रीजंस टू गो विदाउट हिजाब, सो दैट्स वाई वी शुड अलाउ देम, क्योंकि गर्ल्स ऑलरेडी एक डिसएडवांटेजेस पोजिशन में है कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, इसलिए हमको फॉर प्रमोटिंग देयर एजुकेशन वी शुड अलाउ देम कमिंग स्कूल वियरिंग ए हिजाब। सो दैट्स वॉट जस्टिस सुधांशु सेड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फिर अल्टीमेटली ये जो वर्डिक्ट था ये स्प्लिट वर्डिक्ट था। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, जब ट्रायल के बाद, ट्रायल मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग जिसमें कि जजेस फैक्ट्स देखते हैं, एविडेंसेस देखते हैं और अल्टीमेटली एक डिसीजन पे आते हैं, तो उस डिसीजन को हम बोलते हैं वर्डिक्ट। अब स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है, जैसे कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा हो, वर्डिक्ट जो कि स्प्लिट हो, एक जज ने कुछ और बोला हो, एक जज ने कुछ और बोला हो, उसको हम बोलते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। दो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्डिक्ट्स। तो ये जो स्प्लिट वर्डिक्ट था, क्योंकि ये दो जज की बेंच ने दिया था, तो नाउ दिस मैटर गोज टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही विल डिसाइड ओवर द मैटर। नाउ दैट वी हैव स्टडीड द होल जजमेंट, हमने पूरा जजमेंट समझ लिया और जजमेंट समझते टाइम हमने कुछ लीगल वर्ड्स समझे, आई रिवाइज ऑल दोज लीगल वर्ड्स विद यू। पहला वर्ड हमने पढ़ा वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, जब कोई भी केस कोर्ट में जाता है और ट्रायल के बाद, ट्रायल मतलब जब कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो जजेस उस केस को देखते हैं, एविडेंसेस देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, उस केस को सुनते हैं और सुनने के बाद एक और डिसीजन पे पहुंचते हैं, तो उस डिसीजन को हम बोलते हैं वर्डिक्ट। अब सेकंड वर्ड हमने पढ़ा स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब जैसे आपको वर्ड से समझ में आ रहा हो, एक वर्डिक्ट जो कि स्प्लिट हो, एक जज ने कुछ और बोला हो और एक जज ने कुछ और बोला हो। नेक्स्ट लीगल वर्ड हमने पढ़ा क्वॉश। क्वॉश मतलब कैंसिल, एक वर्ड जिससे हम क्वॉश को याद कर सकते हैं, दैट इज़ कैंसिल, मतलब ये बोलना कि हमारे जो भी प्रीवियस ऑर्डर थे, प्रीवियस जजमेंट्स थे, वो अब एक्सेप्टेड नहीं है, उनको हमने कैंसिल कर दिया, सो क्वॉश मतलब कैंसिल। नेक्स्ट लीगल वर्ड जो हमने पढ़ा वो था सेट असाइड। कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट वॉज सेट असाइड। सेट असाइड मतलब उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देना। तो जैसे कि हमने पढ़ा था जजमेंट में, कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट वॉज सेट असाइड, इट वॉज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। लास्ट लीगल वर्ड हमने पढ़ा डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन, यानी कि दो जजेस के केस के जजमेंट में डिफरेंस हो, सो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।